तो दोस्तों आज की स्ट्रम सीखने वाले हैं कि हम अपने YouTube ब्राउजर पे वीडियो जो देखते हैं हम उन वीडियोस को MP3 में कन्वर्ट करके अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में कैसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो सॉन्ग अपने YouTube ब्राउजर पे देखते हैं लेकिन हम गाइस उन वीडियोस को देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ उन्हें सुनना चाहते हैं। तो गाइस सिंपल तरीके से आप अपने उन यूट्यूब वीडियोज़ के सॉन्ग को MP3 के जैसे MP3 प्लेयर जैसा कैसे अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कैसे उन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं बिना वीडियो देखे। हाँ दोस्तों, इससे आपका बैटरी भी बचेगा, साथ में आपका इंटरनेट भी कम खर्च होगा। तो ये सब कैसे होगा, तो गाइस इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, तभी आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, हम अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमारी टॉपिक है कि हम यूट्यूब ब्राउजर पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो हम उस वीडियोस को अपने फोन के बैकग्राउंड में कैसे सुन सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब ब्राउजर पे हम बहुत बार कोई सॉन्ग सुनते हैं लेकिन गाइस होता है क्या कि यूट्यूब ब्राउजर पे हम सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो गाइस हमें जो कि साथ में उस वीडियो को भी प्ले करना पड़ता है, जब तक वो वीडियो चलेगी तभी तो हमारा वो सॉन्ग प्ले रहेगा। लेकिन गाइस हम चाहते हैं कि नहीं यार वीडियो ना चले और हम सिर्फ उस सॉन्ग को जो कि MP3 में कन्वर्ट करके सुन सकें, तो ये कैसे होगा, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। तो सिंपली गाइस करना क्या है, यहाँ से आपको अपना YouTube ब्राउजर ओपन कर लेना है। YouTube ब्राउजर ओपन करने के बाद आप कोई भी सॉन्ग को या किसी भी वीडियो को आप अपने MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अपने फोन के बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं, तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, उस वीडियो का यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है। अब गाइस यहाँ से देखो एक वीडियो आ रही जो कि फर्स्ट में आ रही, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो वीडियो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं किसी और की वीडियो तो प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी ही वीडियो को एक जो कि सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, प्ले करके दिखाऊंगा और आप अपने फोन पे जो भी सॉन्ग को आप अपने फोन पे बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं आप वैसा कर लेना, क्योंकि गाइस मैं मजबूर हूँ, किसी और की वीडियो या किसी और का थंबनेल वगैरह मैं नहीं शो कर सकता जिससे कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। तो यहाँ से गाइस मुझे करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ से अपनी एक वीडियो को यहाँ से प्ले करता हूँ। अब गाइस यहाँ से देखो मैंने अपनी एक वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जो कि हमारी ये वीडियो प्ले हो चुकी है। ठीक है, प्ले होने के बाद सिंपली गाइस करना क्या है, आप किसी भी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट करें, प्ले करें तो यहाँ से नीचे आपको शेयर का ऑप्शन जरूर मिलता है, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के आपके जो कि लिंक्स ओपन हो जाएंगे, एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गाइस आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है और कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पूरी तरह से यूट्यूब ब्राउजर से बाहर हो जाना है। कॉपी लिंक कर लिया है हमने, लिंक को वीडियो की लिंक को कॉपी कर लिया है, अब हमें कुछ नहीं करना है यूट्यूब ब्राउजर पे, हमें जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे। हाँ गाइस यहाँ से हम अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। देखो गाइस हमने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च टू वेब एड्रेस का जो ऑप्शन मिलता है आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना और होल्ड करके रखना है। ठीक है, और होल्ड करके रखने के बाद यहाँ से आपको सिंपली अपने जो लिंक अभी कॉपी की थी उसे यहाँ पेस्ट कर देना और यहाँ से सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च में क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका यूट्यूब की वीडियो जो आपने प्ले की थी वो ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके भी पहले दोस्तों आपको एक सेटिंग कर लेनी, सॉरी मैं आपको बताना भूल चुका था। यहाँ से आपको ये थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है ना गाइस, ये देखिए राइट साइड पे, आपको इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है गाइस, आप इसमें चेक कर दें। ओके गाइस, जैसे आप इसमें चेक कर देंगे तो यहाँ से गाइस ये आपका जो पेज है ना, ये सेम अपने लैपटॉप या हम अपने PC में जिस तरह ओपन करते हैं सेम वैसे ही हमारा एक क्रोम ब्राउजर ओपन होगा। तो देखो गाइस यहाँ से हमने जो कि डेस्कटॉप मोड पे जो कि इसे कर लिया है, अब यहाँ पे गाइस हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ से पहले मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर लेता हूँ। ओके, अब गाइस देखो ये जहाँ तक हमारी वीडियो चलने शुरू हो चुकी है, तो यहाँ से मेरे यहाँ यार नेटवर्क नहीं आ रहा तो बार 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 ये बर्फिंग हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जैसे आप कोई भी सॉन्ग यहाँ पे प्ले कर लें तो प्ले करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको इसे मेनू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेनू में क्लिक कर देंगे तो गाइस आपको करना क्या है, आप देखिएगा अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्लाइस करिए। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं इसे नीचे स्वाइप करता हूँ एंड नीचे स्वाइप करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो वो यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन पैनल में दिख रहा है। जिस तरह हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे किसी MP3 प्लेयर को ओपन करते हैं MP3 सॉन्ग सुनने के लिए, तो सेम ऐसा ही वहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है। तो इसी तरह गाइस आप अपने क्रोम ब्राउजर के थ्रू अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में MP3 के जैसे प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।